शाहजहांपुर अधिवक्ताओं ने किया बलात्कारी हत्यारोपी के मुकदमा न लड़ने का फैसला। देश में मासूम बच्चों के साथ एक के बाद एक हो रही दर्दनाक वारदातों को लेकर जहां जगह जगह लोगों के द्वारा इन मामलों को अंजाम देने वाले दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग लगातार उठ रही है, तो वहीं इन सब के बीच यूपी के रामपुर में 6 साल की मासूम के साथ बलात्कार हत्या कर देने वाले अपराधी को पुलिस ने 2 दिन पहले मुठभेड़ के दौरान अपनी गोलियों का निशाना बनाया था। मुठभेड़ की घटना को अंजाम देने के बाद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और रामपुर एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा की छवि जनता के बीच रियल हीरो की तौर पर उभर कर आई है। इस घिनौने अपराध को अंजाम देने वाले दरिंदे के खिलाफ अब कुछ इस तरह की पहल रामपुर की बार एसोसिएशन ने की है। अधिवक्ताओं ने सराहनीय कदम उठाते हुए मासूम के साथ बलात्कार और उसकी बहरीनी से हत्या करने वाले दरिंदे नजरी की तरफ से अदालत में केस न लड़ने का फैसला ले लिया है। रामपुर के जज परिसर में बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, जहां पर बैठक करते हुए अधिवक्ताओं ने 6 साल की मासूम के साथ पहले तो बलात्कार फिर उसका बहरीनी के साथ कत्ल कर देने की घटना को जोरदार मुखालफत की और फिर पछताव पारित कर इस दर्दनाक वारदात को अंजाम देने वाले कुखार दरिंदे का केस न लड़ने का फैसला लिया। अधिवक्ताओं के मुताबिक इंसानियत को संसार करने वाली इस खौफनाक वारदात ने समाज के हर शख्स की अंतरात्मा को झंझोर कर रख दिया है। अगर इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों के ऐसे काले कारनामों को लेकर अधिवक्ता अदालत में उनकी पैरवी नहीं करेंगे तो अपराधों पर जरूर अंकुश लग सकेंगे। अधिवक्ताओं के द्वारा केस न लड़ने के प्रस्ताव पर बार एसोसिएशन ने भी अपनी मोहर लगा दी। बार एसोसिएशन के महासचिव सतनाम सिंह के मुताबिक रामपुर में 6 साल की मासूम के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। ये घटना दुखदा है, हम सब इसकी निंदा करते हैं। इंसानियत को संसार करने वाली इस घटना को लेकर हम एक इंसान होने के नाते आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे। बार एसोसिएशन ने बहुमत के आधार पर यह फैसला लिया है, फिर बार का कोई भी सदस्य अदालत में आरोपी के मुकदमे की पैरवी नहीं करेगा। हमें पता चला कि एक ऐसा अपराधी जिसने 6 साल की बच्ची के साथ नरशंसता पूर्वक बलात्कार किया, उसका अपहरण किया और उसकी हत्या की, तो ऐसा सुनकर रोंगटे खड़े हो गए कि ये इससे ज़्यादा हीनियस क्राइम कोई हो ही नहीं सकता। तभी हमारे युवा अधिवक्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह आया और उन्होंने, कल अध्यक्ष जी हमारे छुट्टी पर थे तो उनका उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री ब्रह्मपाल सिंह जी, उनके पास आए। उनसे कहा गया कि साहब ऐसा घिनौना अपराध हुआ है, इसमें हमें भी कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए समाज का। तो उन्होंने मुझे मीटिंग करने के लिए आदेश दिया। मैंने 2 बजे मीटिंग बुलाई, उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में युवा अधिवक्ता उपस्थित रहे और सभी ने, जितने भी बोलने वाले थे, सब ने यही कहा कि हम सैकड़ों हजारों केस करते हैं, इस केस को हमें नहीं करना चाहिए कि अभी वो दोषी तो है नहीं, इसलिए उसके खिलाफ केस ना लड़ना ये उसका संवैधानिक हक छीनना होगा। लेकिन जो फैसला होता है बहुमत पर होता है, ज़्यादातर अधिवक्ताओं ने उसके खिलाफ केस ना लड़ने का निर्णय बताया। उसी अनुसार हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय श्री ब्रह्मपाल सिंह जी ने यह निर्णय सुनाया कि हम ऐसे रेपिस्ट के खिलाफ, हम ये नहीं कह रहे कि वो रेपिस्ट है या नहीं, ये कोर्ट निर्णय लेगा, लेकिन प्राइमा फेसी जो पुलिस ने उसे अक्यूज बनाया है, हम उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ेंगे। और अब यहां तक वकील की बात है, ये कसाब को भी मिला था, इसे भी मिलेगा। बहुत लाखों की तादाद में वकील हैं, कोई और अच्छा आके लड़ ले, हम किसी को लड़ने से रोकेंगे नहीं, लेकिन हमारी बार का कोई सदस्य उसका केस नहीं लड़ेगा, ये हमने निर्णय लिया है। और हमारा ये निर्णय सही है या गलत है हम इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, लेकिन हमें ऐसा लगा, हमने, हमारे सदस्यों ने ऐसा सुझाव दिया, हमने उस पर अमल किया। हाँ, एक ह्यूमैनिटी के नाते, एक सुनकर भी रोंगटे खड़े होते हैं कि 6 साल की बच्ची किसी भी जात मजहब की हो, उसे आदमी देखकर अपनी बेटी देखेगा उसमें, और अपनी बेटी नहीं होगी, बहन देखेगा, भाई की बेटी देखेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा घिनौना अपराध करता है तो कम से कम समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इससे यह संदेश जाएगा सभी में।